प्रशांत, आज कॉल राइटर्स ने कुछ ज्यादा ही, अगर आप देखें, एग्रेशन दिखाया है और माइट बी या तो ये बहुत ही डिजास्ट्रस क्लोजिंग रहेगी या फिर एक कॉल ट्रैप की स्थिति भी हो सकती है। आपका मन क्या कह रहा है इस वक्त, स्टैट्स देखकर क्या लग रहा है आपको? जी विनु जी, गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो बिल्कुल जो सेलिंग हुई है वो स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ हुई है और स्ट्रांग हैंड सेलिंग जिसे कहते हैं, उस तरह की सेलिंग है। जो पुल बैक भी आया था उसके बाद जिस तरह से, जो आपने बिल्कुल अभी कहा, जो इंट्राडे लोस टूटे वो बहुत स्ट्रांगली टूटे और वो डिफेंड नहीं हो पाए। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल जब तक हम 25,500 स्पॉट ये क्रॉस नहीं करते, इसके ऊपर क्लोज नहीं होते, मुझे लग रहा है लॉन्ग्स इंडेक्स में अवॉइड करने होंगे। वो जोन एक बार कैप्चर हो, उसके ऊपर क्लोज हो, तो डेफिनेटली अच्छे मूव के लिए हम वापस एक बार नजरिया बदल सकते हैं। फिलहाल मेरा अप्रोच कॉशियस होगा, लॉन्ग साइड को अवॉइड करूंगा। शॉर्टिंग इसलिए नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ इस लेवल पे क्योंकि हम बिल्कुल एक सपोर्ट के नजदीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट करना रिस्क रिवॉर्ड के लिए जस्टिफाइबल नहीं होगा। और जो आपने कहा करीबन 25,460-475 ये जोन अगर आफ्टरनून में क्रॉस हो तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई ट्रेड करना होगा। कुछ वक्त मार्केट ऐसा होता है कि आप अगर ट्रेड ना करें और वो पैसे बचाए तो आपको उसके बाद अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है, वहां पार्टिसिपेट किया जा सकता है। सिमिलरली निफ्टी बैंक को भी देखें तो 52,000 के एक अहम सपोर्ट के नजदीक आया और ऑलमोस्ट जो एक रैली आई थी उसके करीबन हम 50% रिट्रेसमेंट पे आए। तो जिस तरह से तेज रैली थी उसी तरह 4 दिनों में हम 50% लेवल पे भी आ चुके हैं, तो बहुत वोलाटाइल स्विंग्स हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अहम सपोर्ट होगा 52,000 से लेके 51,800 ऑन स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। अगर ये इंटैक्ट रहे, वहां से कोई बाउंस आए, तब हम नजरिया बदल सकते हैं। फिलहाल दोनों ही इंडेक्सेस पे मेरा नो ट्रेड जोन का की मेरी सलाह होगी और ऑप्शंस तो स्पेशली मुझे नहीं लग रहा है कोई क्लियर डायरेक्शन बता रहा है, कॉल राइटिंग भी बहुत हेवी है, तो फिलहाल इस एक्सपायरी पे मैं इंडेक्स स्पेसिफिक कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। जी हाँ, अनप्रेडिक्टेबल है मार्केट और स्पेशली एक इतने बड़े फॉल के बाद, इतनी बड़ी गिरावट के बाद इंडेक्स पे कोई सेंस ना ही बनाए ना ही छू तो ज्यादा अच्छा, यकीन मानिए अनट्रेडेबल स्क्रीन लग रही है इस वक्त। प्रशांत, ऐसे में अब थॉट्स थोड़े से आपके में जानना चाहूंगा कि स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या है, ट्रेड के लिए आपने स्टॉक्स कौन कौन से पिक किए इस वक्त? वीरू जी, यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, अगर आपने भी देखा होता तो काफी गैप डाउन है और इनफैक्ट जो गैप डाउन है वो आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। तो मैंने कुछ ऐसे स्टॉक चुने जहां रिस्क कम हो, तो मेरा जो फर्स्ट पिक होगा वो लॉन्ग साइड पे अशोक लेलैंड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छे सपोर्ट पे आया है और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस करीबन 228 स्पॉट के नीचे रखना चाहूंगा। मेरा टारगेट होगा 242 से लेके 244, ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक अगर हम डीएलएफ की तरफ देखें तो जिस तरह की मूव आ रही थी एक दो दिन पहले वो फिजल आउट हो चुकी है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है। हालांकि हमें गैप के करीब थोड़ा प्रीएम करूंगा, हम 880 का अहम लेवल जो है वो ब्रेक कर चुके हैं, तो यहाँ आप एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा आज के हाई के ऊपर, सो 893 स्पॉट आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है वो कम से कम 855 से लेके 850 ये जोन आप विजिट कर सकते हो। सो डीएलएफ में शॉर्ट साइड ट्रेड रेकमेंड करना चाहूंगा। उसी के साथ एयू बैंक अगर हम देखें तो ये भी एक सपोर्ट के पास है, यहाँ एक आप रिस्क बेस्ड लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हो। 730-28 के आसपास जो स्पॉट ट्रेड कर रहा है, आप 718 के नीचे बिलो 718 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। 740 से लेके 745 ये जोन्स आप टारगेट के हिसाब से देख सकते हो। प्रशांत, मेटल्स में बहुत अच्छा खासा मूव है, ONGC में कंसीडरिंग क्रूड एक मूव आया है, टाटा स्टील सन फार्मा में मूव है, केमिकल की बास्केट, डायग्नोस्टिक स्पेस की बास्केट ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अदर देन आई थिंक ये तीन स्टॉक्स जो आपने जो मार्क किए हैं, ये डायग्नोस्टिक स्पेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? प्रशांत, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब दोनों ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। तो वीरू जी, मेट्रोपोलिस डेफिनेटली मेरे रडार में था, बट अगर हम देखें तो आज थोड़ा ऊपरी लेवल पे सेलिंग आई है, हालांकि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी हम 2234 के आसपास है, 2200 के जितना नजदीक मेरे थोड़ा और कूल डाउन हो जाए तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। मेरे हिसाब से 2200 के नजदीक इसको बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखेंगे 2170-2160 के आसपास और वहां से आपको टारगेट मिल सकते हैं करीबन 2275-2280 के। तो थोड़ा और कूल डाउन हो जाए, 2200 के जितना नजदीक मिले 2200-2210। प्रशांत, आपका मेटल्स पे टिक और रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए ये स्पेस जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त मोमेंटम जनरेट कर रहा है, आपका आउटलुक क्या है? जी वीरू जी, मेटल्स पे मैं काफी वक्त से बहुत बुलिश रहा हूँ, पॉजिटिव रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगले 1.5 से 2 महीनों के लिए ये एक सेक्टर टू वॉच हो सकता है, यहाँ अच्छी ट्रेंड पिकअप हो सकती है।
जिंदल स्टील आउट परफॉर्मर रहा है। जहां तक जेएसडब्ल्यू की बात है तो आज यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आई थी, हालांकि ऊपरी लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मुझे लग रहा है एक डिप मिले तो अच्छी एंट्री होगी। उसी के साथ अगर हम वेदांता की तरफ भी देखें तो वेदांत में भी करीबन 510-512 के लेवल जाए, यहाँ भी अगर हमें 505-6 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री होगी। यहाँ वहां पे गैप सपोर्ट है, उसका एडवांटेज हम ले सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है स्ट्रेस्ड है थोड़ा सेक्टर, बट पॉजिटिव है, तो यहाँ डिप आने पे मेरे हिसाब से बाइंग सबसे पहले आ सकती है। प्रशांत, बहुत मुश्किल सेशन है ये, मतलब एक क्लस्टर में, एक जोन में, एक दिशा में जाने के बाद जरूरत से ज्यादा ट्रेड देना मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल मैं आपसे पूछूंगा इस वक्त का आपका ऑप्शन ट्रेड क्या होगा। तो वीरू जी बिल्कुल आपने कहा, एक कश्मकश है और इसमें एक सेटअप जो मुझे डिसेंट लग रहा है ऑप्शंस के लिए वो यूपीएल का होगा। यहाँ मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बिकवाली आ सकती है। इसकी जो 610 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन है करीबन 15-15.5 के आसपास चल के इसको थोड़ा कुछ वक्त में मेरे हिसाब से ये 14 के आसपास मिल जाएगी। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर होगा, वहां इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 8.6-8.5 के आसपास। यहाँ से टारगेट होगा 22 और टारगेट 2 होगा करीबन 27-28। मार्केट्स में वीकनेस बरकरार रहे और यूपीएल में जिस तरह का प्राइस एक्शन नजर आ रहा है तो कंफर्टेबली जो स्विंग लोस बने थे करीबन 590-585 वो रिविजिट हो सकते हैं। सो वो हिसाब से मैं ये पुट ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूँगा। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पे रखिए आपने, और वी आर अ डे लो और कोई रिकवरी नहीं है, कंप्लीट सेल ऑफ लगता है कि आई थिंक वो जो एफआईज एग्जिट और लॉन्ग्स के अनवाइंडिंग का क्रम है वो आज पूरी तरीके से हावी है। रत्ती भर का पुलबैक वो शुरुआती अगर आप एक घंटे को छोड़ दें तो उसके बाद नहीं आया है। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई के अड्डा में हर्षदा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।